मोदी सरकार की जीएसटी डिपार्टमेंट ने व्यापारियों का जीना हराम कर रखा है। इतना जुर्माना लगा दिया कि परेशान हो के व्यापारी सारे कपड़े उतार के जीएसटी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गया। पूरा वाक्य देखें। कपड़े उतारने से क्या होगा, ये बातें कही जा रही हैं एक वीडियो में। जी हाँ, गाजियाबाद के जीएसटी ऑफिस में कपड़े उतार कर एक कारोबारी खूब हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। दरअसल व्यापारी ने अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मेरठ के कारोबारी अक्षय जैन जीएसटी मोहन नगर दफ्तर में कपड़े उतार कर धरने पर बैठ गया। आरोप है कि 85 लाख वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए व्यापारी को नाजायज परेशान किया जा रहा था। व्यापारी ने हंगामा करते हुए ये भी कहा कि मैंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है। इस मामले में ये भी पता चला है कि जीएसटी अधिकारियों ने जुर्माना लगाकर अक्षय की गाड़ी को पार्क में छोड़ा। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार, मेरे यूट्यूब में सच की आवाज में आपका स्वागत है। ये कपड़े रखे मुझे ये कर लेंगे ये। मेरे पास इन्हें पैसे चाहिए ना, पहले 2 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास है ही नहीं पैसे, इनके पास है नहीं। 2 लाख रुपए कहां से देंगे? 2 लाख रुपए ये बिल्कुल नहीं। मैं अपने कपड़े पहन के दिगंबर अवस्था में यहाँ बैठू, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। नहीं ठीक कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलती कर रहे हैं। यही हम भी बैठेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ बैठा हूँ जी। ये आज मुझे लूटेंगे जी, आप कपड़े जवाब ठीक है। नहीं कोई दबाव नहीं बना रहा मैं, गलती का सच्चाई है कि सच्चा कोई दबाव नहीं है, सच्चाई है, सब चीज होते हैं। इस बात में एक पैसे में ना आएगा, आप मेरे को दबाव बना रहे, आप मुझे हैरेस कर रहे हैं। मैं 1 रुपए का टैक्स चोरी कर रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही कि आपका ऐसा व्यापारी जो 1 रुपए का टैक्स चोरी नहीं कर रहा है, आप उसके ऊपर नाजायज दबाव बना रहे हैं। या तो आपको पैसे दे और या आपके बाद आप ये मेरे ऊपर सीधी पेनल्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप मेरे ऊपर पेनल्टी? आप मुझे चुपचाप क्यों बुला रहे थे? आपके अध्यक्ष जी कहेंगे आप व्यापारी को, मैं बात कर दूंगा। रिकॉर्डिंग इन्होंने ये बात कही है कि मैंने अपने व्यापारी को भेज दो, अभी आपने कहा निकाला इन्होंने। नहीं बिल्कुल जी, हम तो समय शिवाजी बताया, बैठा था वहां संजय आंदोलन में बैठे थे वहां पे, ये मुझे बताएंगे जब समय शिखर हम बचा सके अपना व्यापार नहीं बचा सकते। अरे बिल्कुल दवा नहीं बना रहे हम, आपने हमसे पैसे मांगे, आप पत्ते भी मना कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, अध्यक्ष जी जेल जाए, मांगे ये हमें ये टारगेट पूरा करना है। ये कह रहे मेरे पे 85 लाख रुपए का टारगेट है। नहीं 85 लाख रुपए टारगेट पूरा करना है तो कहना हमें पूरा करना। अगर आप जैसे लोगों को नहीं पकड़ेंगे तो टारगेट कैसे पूरा होगा? बोला नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। क्या जो मान लीजिए, जब ये नहीं पकड़े तो हम कैसे मान लेंगे? जब ये अपनी करनी पड़ रही है तो हम भी अपने पकड़ेंगे। मैं चलने अच्छा नहीं, मैं समझ आऊंगा जी। इन्होंने आज इस तरीके की बात करी है, इन्होंने कहा 85 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, मुझे वो पूरा करना है 85 लाख रुपए का टारगेट। भाई साहब जब इन्होंने इस तरीके की बात करी है, क्या करूंगा? ये क्या समझ रहे हैं व्यापारी को? हम रात दिन एसटीसी काम कर रहे हैं, एक नए पैसे की चोरी नहीं कर रहे, उसके बाद ही हमारा हैरेस कर रहे हैं। अंदर से दिल दुखावा इस समय, जोर से कोई नहीं बोल रहा है, क्या जोर से बोल रहा है? अगर अंदर की हमारी टीचर बोले में हमारी सुविधा का लगे जमा सीखने वाली नहीं, हमारे और ठीक होना लगा तो नहीं पता करना। आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? आप मुझे जेल भेज दो ना। हाँ आप नहीं, जेल भेज दो आप, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप बुलाओ बुला जी भाई साहब, सरकारी काम में मैंने बाधा डाल दी, आप मुझे जेल भेजो आराम से। हमारे चैंबर में, अरे महाराज आप हमें जेल भेजो, यहाँ क्या हो रहा था? आप लोग सबको मैंने बाहर किया, क्या कोई बात नहीं ना? अरे भाई साहब कोई गलत काम नहीं कर रहा, इन्होंने भी आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है, सब इन्होंने भी आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला है। मैं इस समय से अब ले रहा हूँ लोन, मैं अब बिल्कुल बोलूंगा नहीं साहब, बिल्कुल लोन ले दिया मैंने। आपकी अकेली गाड़ी नहीं आई और अब ये ध्यान में बैठ गया, अब ये बोलेंगे नहीं, ये बता दिया मैंने आपसे, अब ये बोलेंगे, अब ये ध्यान में बैठ गया आपने। हाँ अब ये भगवान के ध्यान में बैठ गया, अब भी बोलेंगे बिल्कुल भी। इतनी गाड़ी और रखी है, आपकी वजह से कोई अंदर नहीं आ रहा है। कल ये सरकारी काम वाला नहीं जी, ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ पर अनशन पर बैठ सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। ऑफिस के बाहर बैठिए ना। हाँ बाहर ही बैठ जाएंगे, बाहर बैठिए। अगर पुलिस हमें निकाल के यहाँ से बाहर ले जाएंगे, हम बाहर बैठेंगे। हम क्यों निकाले बाहर आपको? हाँ आप बाहर निकालिए, बाहर बैठेंगे। अच्छा अच्छा आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अधिकारी बड़े लोग समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझा रहे हैं। आप पहले बात कर लो, आप बात कर लो, बैठे रहने ना, आप बात कर लो, देखिए आप बात कर लो। Mm.
कि अक्षय जैन अरिहंत इनकी गाड़ी सहटेक्स बाकी सचल दस्ते में सुबह टाटा धर्म कांटे से लेके आ गए हैं और उस गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी टैक्स की चोरी नहीं हो रही है। ये सब चीजें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये 2 लाख रुपए की डिमांड इस केस के अंदर कर रहे हैं और नहीं देने पर इस गाड़ी को छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, जबकि ये गाड़ी ईवे बिल बना हुआ है, माल ट्रांसफर हुआ है, मेरठ से गाजियाबाद के लिए डिलीवरी चलान बना हुआ है। कोई भी किसी प्रकार की इस माल के अंदर टैक्स की कोई भी चोरी नहीं है। उसके बावजूद ही व्यापारी को हरेशमेंट करा जा रहा है और उसके साथ अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे परेशान हो गया व्यापारी ने। जब ये कह दिया कि मेरे पास कोई पैसा देने के लिए नहीं है तो वो यहाँ पर मौन धारण करके अब अनशन पर बैठ गए हैं।